साथियों, प्राइमरी में 20 और मिडिल स्कूल में 10 से कम छात्र वाले स्कूल होंगे मर्ज। पांचवी आठवीं कमजोर रिजल्ट वाले शिक्षक होंगे दंडित। इन दो शिक्षकों की हो रही है प्रशंसा। जन्म देने वाले माता पिता को भी छोड़ा पीछे। पुरानी पेंशन को लेकर लेटेस्ट व बड़ी खबर। एमपी में फिर से होगा विधानसभा चुनाव, लेटेस्ट खबर। इस प्रकार की पूरी खबर के लिए, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। साथियों, आप अपनी समस्या को, आप अपने विचार को वीडियो के कमेंट बॉक्स में रखना न भूलें। दोस्तों, बिना समय गवाए जानकारी को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना ही हमारी मेहनत का फल है। पहली बड़ी खबर, प्राइमरी में 20 और मिडिल स्कूल में 10 से कम छात्र वाले स्कूल होंगे मर्ज। प्राइमरी स्कूल में 20 और मिडिल स्कूल में 10 से कम छात्र संख्या वाले जिले के लगभग आधा सैकड़ा स्कूलों को बंद करने की तैयारी जिला शिक्षा केंद्र ने कर दी। विभागीय जानकारों की माने तो इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को समीप के स्कूल में शिफ्ट किया जाएगा। बंद करने वाले स्कूलों की सूची विभाग ने तैयार कर ली है। अब मंजूरी के लिए प्रस्ताव बनाकर राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल भेजा जा रहा है। अनुमति मिलने के बाद कम छात्र संख्या वाले स्कूलों के बच्चों व शिक्षकों को पास की दूसरी स्कूल में मर्ज कर दिया जाएगा। इससे जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी होगी उसकी पूर्ति भी हो जाएगी। कई स्कूलों को पहले भी किया जा चुका है मर्ज। जिले में करीब साल भर पहले भी कम छात्र संख्या वाले दर्जनों से अधिक स्कूल को बंद करने की कार्रवाई हो चुकी है। बंद होने के बाद इन स्कूलों के शिक्षकों व विद्यार्थियों को 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्कूलों में मर्ज किया जा चुका है। इस पर आएगी समस्या, रेल पटरी व नेशनल हाईवे के किनारे खुले स्कूल बंद नहीं हो पाएंगे। इन स्कूलों को बंद करने में नियम का अड़ंगा आएगा। जिला शिक्षा केंद्र के जानकारों की माने तो ऐसे प्राथमिक व माध्यमिक शालाएं बंद नहीं हो पाएगी जिसमें बच्चों को रेल पटरी व नेशनल हाईवे की सड़क पार नहीं करके स्कूल पहुंचना पड़ रहा है, क्योंकि रेल पटरी व सड़क पार करते समय विद्यार्थियों के साथ हादसा होने का अंदेशा बना रहता है। दूसरी बड़ी खबर, पांचवी आठवीं में कमजोर रिजल्ट वाले शिक्षक होंगे दंडित। यह विशेष खबर भोपाल से निकल के आ रही है। कोई 10 साल बाद पांचवी और आठवीं की परीक्षाओं को बोर्ड पैटर्न पर करने जा रही शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखाई है। कलेक्टर को निर्देश दिए गए हैं कि इन दोनों की परीक्षाओं का परिणाम 100% होना चाहिए। राजधानी में जिला प्रशासन इस आदेश के प्रति सक्रिय हुआ है। इस संबंध में सभी हेडमास्टरों को शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के परिपालन में कलेक्टर ने साफ किया है कि बोर्ड पैटर्न में हो रही जा रही पांचवीं और आठवीं की परीक्षाओं को गंभीरता दिखानी होगी। इस संबंध में पहले भी निर्देश जारी किए गए हैं। सभी बच्चों में कक्षाओं के अनुसार दक्षताएं होना आवश्यक है। इसके लिए अप्रैल माह में जायफुल लर्निंग, दक्षता उन्नयन एवं बूस्टर कार्यक्रम और शिक्षक मार्गदर्शन के साथ साथ पाठ्यक्रम पूर्ण करने तो निर्देश जारी किए गए। पाठ्यक्रम में कठिन बिंदुओं के समाधान हेतु जन शिक्षा केंद्र पर शैक्षिक संवाद आयोजित किए गए। परीक्षा के पूर्व बच्चों को अभ्यास हेतु आपको प्रश्न बैंक और सैंपल पेपर भी प्रदाय किए गए। इसके साथ साथ रुचिकर शिक्षण हेतु विभिन्न गतिविधियां भी समझाई गई है ताकि बच्चों में शैक्षिक गुणवत्ता के साथ दक्षता का गुणात्मक विकास हो सके। कक्षा पांचवी एवं आठवीं की वार्षिक परीक्षा में लगभग 2 माह का समय शेष बचा है। इन 2 माह में शिक्षक बच्चों का पाठ्यक्रम पूर्ण करते हुए पुनरावृत्ति भी कर ले, साथ ही बच्चों में लिखने का अभ्यास भी करा लिया जाए ताकि पांचवी एवं आठवीं की परीक्षा का परिणाम 100% रहे। इसके बावजूद भी यदि परीक्षा परिणाम कम रहता है तो कार्रवाई की जाएगी, उत्कृष्ट कार्य पर मिलेगा पुरस्कार। कलेक्टर ने स्थिति स्पष्ट की है कि जिन स्कूलों में पांचवी और आठवीं का परीक्षा परिणाम कम आया तो वहां शिक्षकों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं अच्छा रिजल्ट देने वाले शिक्षकों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। डीबीसी प्रभाकर श्रीवास्तव ने कहा कि मिडिल और प्राइमरी शालाओं की सतत मॉनिटरिंग की जा रही है। शिक्षकों को भी जो समस्या है उन्हें चिन्हित किया जा रहा है ताकि समय से समाधान हो सके। इसके बाद भी शिक्षक कमजोर परिणाम लेकर आएंगे तो ये उनका दुर्भाग्य होगा। तीसरी बड़ी खबर, पुरानी पेंशन बहाली की मांग पर शिक्षकों का हल्ला बोल, प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन। पुरानी पेंशन बहाली समेत 5 सूत्री मांगों को लेकर प्राथमिक शिक्षक संघ ने परेड ग्राउंड स्थित धरना स्थल पर प्रदर्शन किया। उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी भेजा है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौहान के नेतृत्व में भारी संख्या में शिक्षक परेड ग्राउंड पर जुटे। चौहान ने बताया कि अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले 25 राज्यों में मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। प्रदेश में 2006 से पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। इस संबंध में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, एचआरडी मंत्रालय को ज्ञापन भेजे गए। अब तक कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई है। कहा है कि सरकार उनकी मांगों को लेकर यदि जल्द कोई फैसला नहीं लिया तो 17 से 22 जनवरी तक राज्य स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। वहीं 21 से 27 फरवरी तक राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन प्रस्तावित है। विरोध जताने वालों में संघ के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह क्रसाली, संरक्षक सुभाष चंद्र कुकरेती, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह कोषाध्यक्ष, इन सभी ने कहा है कि पुरानी पेंशन योजना तत्काल बहाल की जाए, वेतन विसंगतियां दूर की जाए, सभी राज्यों में शिक्षकों को 31 मार्च 2021 के बाद समायोजित का समान वेतन दिया जाए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से शिक्षक विरोधी प्रावधानों को हटाया जाए
और प्रारंभिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण किया जाए। शिक्षक पात्रता परीक्षा शिक्षकों के व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने से पूर्व आयोजित की जाए। चौथी बड़ी और विशेष खबर, एमपी में फिर से चुनाव, कमलनाथ सरकार पर छाए संकट के बादल। मध्य प्रदेश में फिर से चुनावी बिगुल बजने वाला है, फिर से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जल्द ही इसका ऐलान भी किया जाने वाला है। कांग्रेस सरकार इस वक्त बड़े संकट से गुजर रही है, जिसके कारण ऐसे हालात बन गए कि दोबारा चुनाव करने पड़ रहे हैं। इतने दिनों महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर खूब ड्रामा देखने को मिला, लेकिन आखिरकार शिवसेना और कांग्रेस एनसीपी ने मिलकर सरकार बना ही ली। लेकिन मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस की सरकार बनी है, लेकिन आंकड़े ऐसे हैं कि सरकार गिर सकती है। वहीं अब खबर है कि मध्य प्रदेश में फिर से चुनाव बिल्कुल बजने वाला है, फिर से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जल्दी इसका ऐलान भी किया जाने वाला है। असल कांग्रेस सरकार इस वक्त बड़े संकट से गुजर रही है, जिसके कारण ऐसे हालात बन गए हैं कि दोबारा चुनाव करने पड़ रहे हैं। कांग्रेस मध्य प्रदेश में लंबे समय के बाद सत्ता में आई है। राज्य में जब से कमलनाथ सरकार बनी है, तभी से बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार को जल्द ही गिरा दिया जाएगा और फिर से बीजेपी सरकार में सत्ता में आएगी। ऐसे में एमपी में दोबारा चुनाव की खबरें सामने आई तो सभी राजनीतिक दल के नेता फिर से सक्रिय हो गए। यहाँ जाने क्यों हो रहे हैं फिर से चुनाव? गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में फिर से चुनाव पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि केवल एक सीट पर होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मुरैना जिले की जोरा विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक बनवारीलाल शर्मा का निधन हो गया है। उनके निधन के बाद अब इस सीट पर उपचुनाव कराए जाएंगे। विधायक बनवारीलाल शर्मा का लंबे समय से भोपाल में इलाज चल रहा था। वे विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को हराकर विधायक बने थे, लेकिन अब उनके निधन के बाद कांग्रेस फिर से 114 सीटों पर आ गई है। पांचवी और आखिरी बड़ी खबर, जन्म देने वाले माता पिता को भी पीछे छोड़ा इन दो शिक्षकों ने। जन्म देने वाले माता पिता के बाद बच्चों के भविष्य को गढ़ने वाले शिक्षक को भगवान का स्वरूप दर्जा दिया जाता है, इसीलिए विद्यालय को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। अधिकतर शिक्षक बच्चों को केवल शिक्षा देने तक ही सीमित रहते हैं, पर कुछ शिक्षक शिक्षा के साथ अन्य जिम्मेदारी भी उठाना अपना कर्तव्य मानते हैं, जिसका ताजा उदाहरण पन्ना ब्लॉक के अहिर गोवा माध्यमिक विद्यालय में देखा जा रहा है। यहाँ मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोई ने जब बच्चों की झूठी थालियां धोने से इनकार कर दिया तो विद्यालय के शिक्षकों संजय खरे और अजय कुशवाहा ने स्वयं अपने हाथों से बच्चों की झूठी थालियां धोकर समानता का संदेश दिया है। शिक्षकों का कहना है कि हमारे विद्यार्थी हमारे बच्चों की तरह हैं और बच्चों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जब तक बर्तन धोने वाले की व्यवस्था नहीं होगी हम स्वयं धोएंगे। सहायक यंत्री अरुण सिंह गौर ने किसी भी विद्यालय में बच्चों से बर्तन धोने को अमानवीय बताते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर हम स्वयं विद्यालय जाकर थाली धोएंगे, पर बच्चों को झूठी थाली नहीं धोने देंगे। हम सब एक हैं, मनुष्यों के बीच किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारे द्वारा थाली धोने से न केवल भेदभाव दूर होगा बल्कि छुआछूत जैसी कुरीति को उखाड़ने में आसानी होगी। दोस्तों, वीडियो के इस टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करना ना भूलें। जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व पास वाले बेल पर प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इस चैनल के अगर अदर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने चल रहे हैं, उनको देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।